गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा सातवीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में हमने इतिहास लिया है, अध्याय आठ है। अध्याय का नाम है मुगलकालीन जनजीवन। आज का हमारा टॉपिक है मुगलकालीन धार्मिक स्थिति। इसके पहले वीडियो में हमने मुगलकालीन सामाजिक स्थिति और समाज के वर्गों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम मुगलकालीन धार्मिक स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मुगल काल में मुगल लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। उस समय बादशाह और हुमायूं, जहांगीर जैसे सभी धर्मों को क्या करते थे, मानते थे। उनका मानना था सभी धर्मों का क्या है, अपना महत्व है, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। सभी धर्मों का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसके लिए उन्होंने हिंदू हिंदू साधुओं, जैन फारसी और मुस्लिम मालवियों को अपने दरबार में क्या किया, आमंत्रित किया। उन्होंने सभी धर्मों की बात कही। सभी धर्मों की क्या है, अपनी अच्छाई है। इसके लिए उन्होंने सभी धर्मों का अलग अलग रूप से फारसी भाषा में अनुवाद किया, ताकि लोग दूसरे धर्मों को क्या करे, समझे और जानने का उसे समय मिले। उसी समय मुगल काल के समय कबीर दास, गुरु नानक, मीराबाई जैसे विभिन्न कवि क्या हुए, जन्म करके कवि सामने आए। साथ ही उस समय कबीरपंथ जो बहुत प्रसिद्ध था, गांव-गांव में उसका क्या किया, प्रसार किया। उसी समय कलछुलियों की देव शक्ति पूजा, शक्ति पूजा और देवी पूजा भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार जैसे दंतेश्वरी में दंतेश्वरी की मंदिर, बम्लेश्वरी में बम्लेश्वरी की मंदिर बहुत क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। साथ ही क्या किया, शक्ति पूजा और देवी पूजा में ब्राह्मणों का बहुत योगदान था। इसमें ब्राह्मण पुरोहित आदि होते थे जो क्या करते थे, पूजा एवं कार्य करते थे। इस प्रकार छत्तीसगढ़ मुगल काल के समय धार्मिक व्यवस्था अपने आप में क्या थी, सुदृढ़ थी। सभी धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ और अनेक कवि इन समय सामने आए, जो समाज के उद्धार का क्या बने, कारण बने। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।